सत्संग चालक परम पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार जो डॉक्टर जी कहलाते थे, उनकी जीवनी उपलब्ध है, अधिकृत जीवनी है, उसका कभी खंडन नहीं हुआ। आज की स्थिति नहीं है, ध्यान रहे 47 से पहले 1925 का भारत, सहारनपुर, अमृतसर, नागपुर, ये इस्लामी उपद्रव के बड़े केंद्र थे। अमृतसर में तो 1947 में 15 अगस्त के दिन 9000 इस्लामी गार्ड्स थे मुस्लिम लीग के, जिनकी कोशिश थी कि अमृतसर से हिंदुओं को और सिखों को भगा दिया जाए। उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर कब्जे करने की कोशिश की थी। ऐसा ही नागपुर में था, जुलूस निकलता था, उपद्रव करते थे। जिन्होंने अगर इस्लामी जुलूस नहीं देखे हों तो कभी देखिए 12 वफात का जुलूस या कोई और जुलूस, जिससे आपको अंदाजा लगे। देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो हमारे अली की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बानी। इसका मतलब क्या है? बच्चा बच्चा कुर्बानी काहे के लिए देना चाह रहा है? आक्रमक मानसिकता के साथ जुलूस निकलता, पूरी उनकी इंटेंशन ये होती है कि काफिरों में अपनी धाक बिठाई जाए। उस जुलूस का हर साल का पंगा था। तो डॉक्टर जी ने खुद और साथ के स्वयंसेवकों को ट्रेंड किया। एक प्रहार होता है, लाठी यहां से लेकर मारी जाती है और वो इतनी जोर से पड़ता है कि अगर सामने व्यक्ति आ जाएगा, सर पे पड़ेगी तो खोपड़ी फाड़ के 4 इंच अंदर घुस जाएगी। पूरे जुलूस पे लाठी चार्ज करा, उसके बाद ही पुणे में यह संगठन चल पाया था। पुणे के लोग कहते थे कि नागपुरी संतरा हमारे नहीं बिकेगा। जब ठुकाई एक बार हो गई तो फिर उसके बाद संघ का प्रसार हुआ था। ये बिल्कुल स्पष्ट मानसिकता है कि हम उद्दंडता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके सामने खड़े होंगे। तो उस संगठन के लोग, उस परंपरा के लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? कोई मतलब नहीं है इसका। तलाकशुदा महिला, आखिर तलाक दिया किसने? ये आरएसएस की जिम्मेदारी है। हिंदू विधवा नहीं है, हिंदू संबंध टूटने के बाद पतियों से अलग नहीं है। ऐसी महिला हिंदू नहीं है जिनके कोई परेशान हाल नहीं, कोई देखरेख करने वाला नहीं, उनको लिए, उनके लिए कुछ करने को आपको नहीं सोचता। स्टेटमेंट की हद तक ही अगर बात कही है तो स्टेटमेंट आप इनके लिए नहीं देंगे? आपके मुंह में दही जमा रहता है, कोई बात नहीं करेंगे इस तरह की। इंद्रेश कुमार की एक बेवकूफी हो तो कहें, उन्होंने अभी कुछ 4-6 महीने पहले स्टेटमेंट दिया कि निजाम हैदराबाद का काल हिंदू मुस्लिम एकता का काल था, जिसने रजाकार बनाए, जिसने धमकी दिलवाई गृहमंत्री पटेल को कि अगर हमारी तरफ कोई भारत सरकार ने कुछ किया तो हम वहां के हिंदुओं को कत्ल कर देंगे। और न केवल कहा, सारी स्टेट में हिंदू पर हमले हुए, सत्यार्थ प्रकाश पर, गीता पर प्रतिबंध लगाया, अपनी स्टेट के बाहर हिंदू क्षेत्रों में ट्रेन पर हिंदुओं पर हमले कराए, हजारों हिंदुओं को मारा। उसके बारे में कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का काल है, भंग भी लिए, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। इतिहास भाग्यनगर के, हैदराबाद के किसी भी प्रबुद्ध से, पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए, वो बता देगा। पोलो, ऑपरेशन पोलो किस लिए किया गया, इसकी जानकारी तो कर सकते हैं। उसके बावजूद आप ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट देंगे? आपकी मानसिकता मेरी मानसिकता से भिन्न नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मगर जो आपकी, जैसे आप हरकतें कर रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग का कोई आदमी इंद्रेश कुमार का जुआ पहन के संघ, राष्ट्रीय संघ में दाखिल हो गया है। नहीं, आप उनकी बखूबी एक मायने में कोशिश आप तो कर रहे हैं कि बच्चा भी हो जाए, उनको ग्रेसफुल एग्जिट भी मिल जाए, कि मानसिकता अलग नहीं होगी। देखिए, मानसिकता तो फिर साहब किसी के दिल में क्या है, किसी के अंदर क्या घूम रहा है, वो किसी को पता नहीं। परंतु सेम डीएनए की थ्योरी तो भागवत जी ने भी दी है और वो कोई कम मूर्ख बात नहीं थी। दूसरी बात, अगर इंद्रेश जी इतने गैर जिम्मेदार हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत घटिया है। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर जो उनके बारे में प्रचलित हैं बातें, और वो आरएसएस के लोगों से ही सुनने को मिलता है, एक क्रेडेंशियल्स वाली बात होती है, वो क्लीन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच का बना दिया जाए ठेकेदार? एक तो महिलाओं के साथ बात करने के लिए एक सोफिस्टिकेशन, एक तहजीब होनी चाहिए, ही लैक्स इट ऑल टुगेदर। फिर मुस्लिम महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ, वाई कुड अ वुमन नॉट बी इन चार्ज? ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि अगर बनाना ही था राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच, तो कम से कम कोई महिला को बनाते ना। इंद्रेश जी का वहां क्या काम करना, एक पुरुष का, और वो भी ऐसे पुरुष का जिसकी जबान बहुत बेलगाम है और सोच भी अक्सर घटिया। और मैं बताऊं, मैं 3-4 मीटिंग उनकी अटेंड की है, दुनिया में इससे बोरिंग कोई वक्तव्य हो नहीं सकता। वो 1.5 घंटे से पहले बात कम नहीं करते और इतनी बोरिंग बात करते हैं कि दंग रह जाता इंसान। ऐसे व्यक्ति को संघ ने इतनी संवेदनशील पोस्ट क्यों दी, क्यों वो संगठन बनाने दिया? ये उनकी कोई पर्सनल दुकानदारी थोड़े है? और क्या ऐसे ही चलता है संघ कि हर एक अपनी अपनी, ये मीनाक्षी जैन कहती है कि बीजेपी आरएसएस का ये है कि सबको खोखे लगा देते हैं, हर एक अपनी मर्जी का खोखा लगा के बैठ जाए और हर खोखे वाला दुकान भी नहीं। वो कहती है कांग्रेस तो कम से कम दुकान लगवाते हैं, मॉल्स बनवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, ये खोखे देते हैं और ये खोखे में बैठ के कुछ भी कर लो, ये उन्हीं के शब्द हैं मीनाक्षी जैन के। तो क्या ये खोखा दे दिया, अब आजीवन कुछ भी करो, कुछ भी अनाप शनाप बको, और इस इंसान को चुप नहीं कराया जा सकता? अगर नुपुर शर्मा को बिना किसी अपराध के इतनी बड़ी सजा बीजेपी दे सकता और संघ ने क्यों नहीं की, मोदी जी को कह सकते थे मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, भाजपा को कह सकते थे, सब जानते हैं भाजपा डिपेंडेंट है संघ पे अपनी इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस के लिए। किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी ये बिल्कुल गलत किया आपने, इसका मतलब आरएसएस उसमें सहमत था, आप नहीं थे पर आरएसएस तो था। अगर नुपुर शर्मा को चुप कराया जा सकता है जो अपनी जान पे खेल गई, एक छोटी सी इनोकुअस स्टेटमेंट देगी, इनोकुअस, उसमें कोई ऑफेंसिव बात भी नहीं थी, तो इनका मुंह क्यों नहीं बंद कराया जा सकता, इस पे क्यों नहीं टेप लग सकती? आपकी बात ठीक है। नूपुर शर्मा के संदर्भ में मैं थोड़ी सी जानकारी देता चलूं, नूपुर के पक्ष में दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ था, मेरे पास 2-3 मित्रों के फोन आए थे, मैं उस समय व्यस्तता में जा नहीं पाया, मगर वो फोन, तीनों जो फोन आए थे वो तीनों आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के लोगों ने ही वो धरना आयोजित किया था। भाजपा ने अपने स्पोक्स पर्सन को या लेडी को चुप करा दिया, उनको पकड़ने के लिए 4-5 बार महाराष्ट्र से पुलिस आ चुकी थी तब तक, और वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो ये केंद्र सरकार के समर्थन के बिना नहीं हो सकता। उनको समर्थन अंदर खाने है, मगर सार्वजनिक मंच पर, और जो गलत बात है, आखिर वो जो बोल रही है वो झूठ है क्या? शिया हजरात कहते हैं, और मैंने इस पीछे सुनी है पाकिस्तान के लीडर्स की, मुस्लिम शिया लीडर्स की, कि सुन्नी हजरात को बड़ी तकलीफ है रंगीला रसूल से, उनकी अपनी किताबों में जितना कुछ रंगीला रसूल में लिखा है वो सब कुछ दर्ज है, वो गलत क्या बोलते हैं, झूठ क्या बोलते हैं? अगर आपको लगता है ये बात गलत है तो अपनी किताबें रेक्टिफाई करो, ठीक करो उसको, अगर नहीं करोगे तो कैसे रोक सकते हो? नूपुर शर्मा ने जो बात कही, आखिर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से 52 या 53 साल की उम्र में शादी की कि नहीं? 3 बरस बाद जब वो 9 साल की हुई, तो उनके साथ जब आप खुद 55, 54, 56 के हुए, तो यौन संबंध स्थापित किए कि नहीं? अब इसको आप लीगलाइज करने की कोशिश करें, जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि सऊदी अरब में तो मैच्योरिटी पहले आ जाती है और फलाना ऐसा हो जाता है, 9 साल की बच्ची जवान हो जाती है, तो सऊदी अरब में बर्फ तो पड़ने नहीं लगी, आज भी उतनी गर्मी है, वहां 9 साल की बच्चियों से शादी होती है आजकल? आप किसी बात को जो गलत है, बेहुदा है, उसको जस्टिफाई, लीगलाइज कैसे कर सकते हैं? तो आपकी अपनी किताबों में जो दर्ज है उस बात को उसने कहा, तो भाजपा समर्थन कर रही है अंदर खाने या नहीं कर रही है, ये मुद्दा नहीं है। भाजपा सार्वजनिक चेहरा क्या कर रही है,
सार्वजनिक मंच पे आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखने की है। सोशल मीडिया की कारण वैश्विक स्तर पर इस्लाम के खिलाफ एक धारा बह रही है हर जगह। आप उस धारा के लोगों का जो किया काम पुण्याई है, जो मेहनत है, उस पे पानी डाल रहे हैं। आखिर जो एक्स मुस्लिम्स बात कर रहे हैं, उसकी मेहनत का सत्यानाश कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं आप उस, और आप क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक बिल्कुल सड़क छाप जिसके दो झापड़ कान पे पड़ने चाहिए ऐसा मुल्ला धमका लेता है और आप धमक जाते हैं। समीर और साहिल और पूजा, इन तीनों ने आकर फिर कैमरा फेस किया एक्स मुस्लिम, करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा, उस चैनल ने पूछ दबा ली और उसको वीडियो को हटा लिया। ये कैसे मुमकिन है? इसलिए मुमकिन है कि उस चैनल को लगा के उनके लोगों पर समस्या ना खड़ी हो जाए। तो इस समस्या को, और मैं तुलना से निवेदन करता हूं, इस देश में जो सबसे ज्यादा घृणित और बुरा काम किया वो गांधी ने किया कि खिलाफत मूवमेंट कांग्रेस को धकेल दिया बिना सोचे समझे। एक बिल्कुल गांधी की हरकतों को देखिए तो मतलब सर पीटने का मन करता है कि ये राष्ट्र का नेतृत्व करता बना है। वही आज मोदी जी की हरकतों को देखकर लगता है। मगर जरा सी भी अक्ल नहीं, खिलाफत मूवमेंट में डाल दिया। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट बड़ा चला और मोपला लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, सैकड़ों हजारों लोगों को मारा। एक भी उसका नेता ऐसा नहीं है जिसको दंडित नहीं किया गया हो, जिसे फांसी नहीं मिली हो, जिसे गोली नहीं मारी गई हो। इनमें कुछ लीडर्स को तो पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ से लटकाकर गोलियों से भूना है अंग्रेजों ने। अब तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं के साथ अंग्रेजों के काल में न्याय हो पाता था, अब न्याय भी नहीं होता। ताल ठोक के बिल्कुल अंग्रेज साथ खड़े होते थे न्याय सत्य के पक्ष में, गलत नहीं होने देते थे। और ये वो क्षेत्र है जहां मुस्लिम वर्चस्व था, रावलपिंडी, सियालकोट, वहां भी गड़बड़ नहीं होने देते थे। आजकल तो स्थिति यह है कि इस्लामी जरा सी आंखें दिखाएं आप चुप रहते। मोदी जी को रोना क्या, चट्टी सिंहपुरा में नरसंहार हुआ था कश्मीर में हिंदुओं का, गृह मंत्री रहते हुए स्टेटमेंट है आडवाणी जी का कि हम कर क्या सकते हैं, चूड़ी पहन लो, पेटीकोट पहन के घूमो, हिंदू लड़ सके उन शस्त्र को दो, हमारे हाथ खाली है, नेते हैं। मगर आपको अपने, चूंकि आप तो, आपको तो ब्लैक कैट कमांडो लगे हुए हैं बड़े बड़े लॉन में, आपकी हर चीज सर्च होके आती है। उन गरीबों का कोई पुरसाने हाल होगा कि नहीं, उनकी चिंता कोई करेगा कि नहीं? जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, आप सही कह रहे हो, जो छत्तीस सिंहपुरा में हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, पर अभी आपके वहां पे मनोज सिन्हा जी क्या क्या बयान दे रहे हैं। नंबर वन, अरे इसमें रिलीजन मत ढूंढो, वहां मुसलमान भी मर रहे हैं, हिंदू भी मर रहे हैं। तो हिंदुओं की जो टारगेटेड किलिंग हुई है, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड मांग कर, देख कर, कन्फर्म करके छोटे छोटे बच्चों को भुना गया, तो कहते हैं इसमें मत देखिए। ये तो मनोज सिन्हा, एलजी कोई और नहीं मिला था इससे बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये जो सेम डीएनए वाले ही मिलने हैं आपको कश्मीर जैसे प्रांत में भी, जहां सबसे ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए जो इन सब की बैंड बजा के रखे। और वहां पे तृप्तिकरण चल रहा है, जम्मू के लोग रो रहे हैं। आज एक नई पार्टी, एक नहीं दो दो खड़ी हो रही है हिंदुओं के पक्ष में, क्योंकि भाजपा बुरी तरह लेट डाउन कर रही है जम्मू के प्रोविंस के हिंदुओं को। वहां की डेमोग्राफिक इन्वेजन जो चल रही है, रजौरी, पुंछ, ये वो सारा का सारा प्रोसेस, उसको स्पीड अप करने में मदद मिल रही है उनको भाजपा के प्रशासन से। तो ये हमें बताइए ना, कथुआ केस में क्या किया इन्होंने, झूठा आरोप अपने हिंदुओं पे मर दिया, लड़की को खुद मरवाया और कह दिया ये 8 बिल्कुल निरपराध मासूम डोगराओं को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया। ये तो भाजपा ने किया, भाजपा के नेतृत्व में हुआ, ये कैसे भूल सकते हैं। तो इंद्रेश जी, उस लिहाज से अगर हम भाजपा सरकार का कथुआ केस में रोल देखें, या अभी एलजी सिन्हा जो कह रहे हैं मनोज सिन्हा,
कि हाँ मत देखिए हिंदू कौन मुसलमान कौन, इंसान मर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है तब भी कह रहे हैं। तो फिर क्या ये इंद्रेश जी तो बिल्कुल उस क्या बोल ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा ही लगते हैं ना, कोई अलग धुन में नहीं गा रहे वो।